Sneakers. जो कुछ हो जाएगा दो साल हर साल जसवीर देसवाल युवा क्लब की तरफ से जो विधायक जी की उपलब्धियां हैं, जो भी उन्होंने सारे साल में कार्य करवाए हैं और पिछले चार सालों में अपनी मेहनत से अपनी कोशिश से जो कार्य करवाए हैं, वो सभी उपलब्धियों को इस कैलेंडर के द्वारा हम अपने साथियों तक, सभी युवाओं तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और जितने भी विकास कार्य हुए हैं, जो रोजगार के हैं, जो भी काम विधायक जी ने करवाए हैं, उनको आइडल मान करके हमने ये जसवीर देसवाल युवा क्लब बनाया था और उनके कार्यों को देखते हुए, उन सभी को दिखाते हुए हम ये कैलेंडर को लॉन्च कर रहे हैं। इस कैलेंडर में शायद आप लोगों ने कुछ जो नेक्स्ट सेशन के लिए कुछ वो भी बनाया, प्लानिंग भी की है, उसके बारे में बताइए क्या कुछ है? जी, करीब जो पिछले चार साल में अगर हम कामों की बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं उन कामों को एक एक करके गिनवाने लग जाऊं तो शायद 24 घंटे भी कम पड़ जाएं जो विधायक जी ने कोशिश करके पिछले चार साल में करवाए हैं। तो जो आगे की आप बात कर रहे हैं, जितने भी काम रह गए हैं अगला एक साल, जो जिसको चुनावी साल भी हम सभी कहेंगे, उसमें हम ये कोशिश कर रहे हैं जितने भी काम रह गए हैं, जो हमारे पास आ चुके हैं या जो आ रहे हैं, हम उन सभी को पूरा करवाने की कोशिश करेंगे। मुख्य फोकस कौन से कामों पे रहेगा? मुख्य फोकस जो है वो सबसे पहले तो जो डेवलपमेंट पे पहले भी रहा है और आगे भी रहेगा, और जो युवाओं को रोजगार की बात है जी, जिसके लिए हम पहले भी कोशिश करते रहे हैं और आगे भी कोशिश करेंगे। युवाओं को रोजगार सिर्फ स्काईलार्क में या फिर सरकारी में भी? नहीं, देखिए, सरकारी में जो पहले भी आज तक सभी सीएम साहब ने, हमारे पीएम साहब ने जो भी मतलब पारदर्शिता इस नौकरियों में लाई है, हम युवाओं को उसके लिए तैयार करते हैं। हम कोशिश करते हैं कि उनको ऐसी ट्रेनिंग दी जाए कि वो वहां पर जाकर पास हो सके और सरकारी नौकरी पा सके। हम ये चाहते हैं कि हमारे हलके के युवा सरकारी नौकरियों में भी अव्वल रहें, ठीक है, स्काईलार्क के साथ साथ। स्काईलार्क हम कोशिश करते हैं कि उसमें भी जितने ट्रेनिंग भी दी जाती है हमारे यहाँ पर, जो भी हलके के विकास के लिए, मतलब युवाओं के विकास के लिए, युवाओं का विकास होगा तो हलके का विकास होगा जी, तो उनको ट्रेनिंग भी दी जाती है कि वो जाकर कहीं भी सफीदों में, हरियाणा में, सारे इंडिया में, विदेश में जाकर कहीं भी काम कर सके जी। पिछले वर्ष की अगर हम बात करें जसवीर देसवाल युवा क्लब के द्वारा, ऐसे कौन कौन से विशेष काम करवाए गए जिन्हें आप काउंट कर सकते हैं कि हाँ, क्लब बनने के बाद ये कुछ अच्छा हुआ? जो आप कह रहे हैं सफाई अभियान जो प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छ भारत चलाया हुआ है, उसको हमने आगे बढ़ाया है। उसमें कई गांव में जाकर, शहर में जाकर सफाई के लिए कार्य किया है। हमने एम्बुलेंस जो चलाई है, जो फ्री सेवा हम कर रहे हैं, कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे हल्के के उसमें साथी, जिसको भी ज़रूरत है उसको हम दे पाए। हम कैंप आगे भी, पहले भी हमने कोशिश किए, वो पूरा नहीं हो पाया। हम आगे कोशिश करेंगे कि जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्थ कैंप लग पाए, हेल्थ कैंप जो लोगों के स्वास्थ्य के लिए, जो कि एक बेसिक नीड है लोगों की, उसमें हम काम करें। सर, युवाओं के लिए कोई कोचिंग सेंटर जिससे वो सरकारी नौकरियों की तैयारी कर सके, क्या आपका संगठन उस तरह भी कोशिश करेगा, कोई ऐसा कोई कोचिंग सेंटर बनाएंगे? नहीं, कोचिंग सेंटर हमारे पास है भी, और जो भी अगर कोई ऐसे युवा है जो हमारा युवा क्लब, जैसे कि पहले भी राहुल मिश्रा जी ने बताया कि यहाँ पर हमने दो आदमियों को लगा रखा है, अगर कोई भी आदमी कोचिंग लेना चाहता है, ट्रेनिंग लेना चाहता है स्काईलार्क ग्रुप और जसवीर देसवाल युवा क्लब मिलकर उसको आगे बढ़ा रहे हैं, हर तरह की ट्रेनिंग देने के लिए तैयार है, किसी भी तरह। ठीक है सर, नए साल पे क्या संदेश देना चाहेंगे? नए साल पे
सभी हल्कावासियों को मैं शुभकामनाएं देना चाहूँगा और ये कहना चाहूँगा कि सारी बुराइयों को छोड़ करके अच्छाइयों की तरफ बढ़ें और सभी भाईचारे के साथ रहें और सभी का ध्यान रखें। जो आपने कहा कि भाई युवा क्लब की जो उपलब्धियां गिनवाने की बात है, हमने एससी बीसी बच्चियों के लिए मैटिस कॉलेज में कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चियां उसमें लाभ ले पाएं, विद ट्रांसपोर्ट फ्री उनको एडमिशन करवाया है, फ्री ट्रांसपोर्ट सब कुछ हमने उसको करने की कोशिश की है और काफ़ी बच्चियों ने उसका लाभ भी उठाया है। हम ये चाहते हैं कि हमारे सफ़ीदों हल्के में कोई भी युवा बेरोजगार ना रहे, कोई भी युवा अशिक्षित ना रहे, क्योंकि जहां पे शिक्षा होगी तो रोजगार के अवसर भी उसी से खुलते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि केरला कर्नाटका में 100% लिटरेसी रेट है जी। तो आप किसी भी फैक्ट्री में जाते हैं, किसी भी संस्थान में जाते हैं, वहां पे हर जगह पे जो मतलब इंजीनियर्स हैं, जो टेक्निकल्स हैं, वो सारे साउथ की तरफ से होते हैं, तो वो लिटरेसी के साथ ही आता है। जब आगे मतलब पढ़ेगा तो आगे बढ़ेगा। बिल्कुल, ये क्या नाम जो डाटा है, ये मार्केटिंग बोर्ड का डाटा है, जिसमें हमारा हल्का सफीदों हल्का, आप सब का हल्का पूरे हरियाणा में एक नंबर पर है। कार्य विकास कार्य करवाने में हरियाणा में हमारे विधायक जी आप लोगों के सहयोग से एक नंबर पर है।